यहां वो पांच सूरतें खत्म हो गई हैं इस दूसरे, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये जो ग्रुप है चौथा, ये 13 सूरतें मक्कियात हैं इसके अंदर। इनमें पांच हैं ये सूरह यासीन बिल्कुल वस्त में, इन पांच में दो उधर हैं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई हैं, सूरह सबा सूरह फातिर। दो इधर हैं सूरह साफात और सौद, इसमें भी सौद आया है, साफात के साथ इसकी मुनासबत है। इसके बाद आठ सूरतें वो आ रही हैं कि जिनको हम समझेंगे इस जो इस वक्त का तरतीब है मुसहफ की, कि कॉरस्पॉन्डिंग तरतीब जो है वो है सूरह अलफुरकान से लेकर और सूरह सजदा तक जो आठ सूरतें आई थी, गोया कि उसी तरह की आठ सूरतें ये आ रही हैं। उनमें भी सात वो थी कि जो हरूफ मुकत्ताब से शुरू हुई, चार अलिफ लाम मीम से, दो तौसीन मीम से, एक तौसीन से, अलबत्ता एक वो थी जो बगैर हरूफ मुकत्ताब के शुरू हुई है सूरतुल फुरकान। यहां भी ये एक सूरत जो शुरू हो रही है सूरह जुमर, ये बगैर हरूफ मुकत्ताब के है। बाकी सातों सूरतें जो है हामीम 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 हामीम, उनमें से एक जो है वो हामीम ऐन सीन काफ, लेकिन हामीम का सिलसिला चलेगा। ये सातों सूरतें दर हकीकत एक सीक्वेंस में है, और लेकिन ये भी है मानवी तौर पर यह भी उसी में शामिल है। और इनमें से अब यह समझ लीजिए कि जो पहली चार सूरतें हैं इनका मरकजी मजमून है तौहीद अमली। एक है तौहीद अकीदे की तौहीद, अल्लाह को एक मानना अकेला, ला जिद्दा लहू वला निद्दा लहू वला मिस्ला लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू, उसके जैसा कोई नहीं है, न सिफात के एतबार से न जात में कोई, उसका कुफ्र नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, ये सब क्या है, ये अकीदा है। एक है अमल की तौहीद, तौहीद अमली, वो क्या है अमल की तौहीद, क्या है तौहीद फिलहाल अमल, और जिसको कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की है, तौहीद फिल तलब, तौहीद फिल अकीदा और तौहीद फिल तलब। वो तलब जो हम पढ़ चुके हैं सूरह हज में, राउफत तालिब वल मतलूब, ये तालिब व मतलूब का जो रिलेशनशिप है, हर इंसान का कोई ना कोई मतलूब है, कोई आइडियल है, कोई आदर्श है, किसी के लिए वो जी रहा है किसी मकसद के लिए। एक इंसानों की अजीम अक्सरियत है जो हैवानी सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई मकसद जिंदगी है ही नहीं, इंस्टिंक्ट्स, जैसे कि हैवानात हैं, पेट में भूख लगी है वो खाएगा, इधर उधर मुंह मारेगा, इसी तरीके से उसका जिंसी जज्बा, उसका एक निजाम है उसके तहत ही होता है, उसमें जिंसी जज्बा उस तरह का भी नहीं है कि बाद इंसान जो है वो सूअर बन जाते हैं जिंसी एतबार से, वो नहीं है, उनके उनका एक निजाम है, बस इंस्टिंक्ट के तहत है चल रहा। तो जो लोग सिर्फ इसी पर खाना पीना और बच्चे पैदा करना उनको पाल देना, अगर ये काम कर रहे हैं, कोई उनकी जिंदगी में मकसद है ही नहीं, तो वो निरे हैवान है, इंसान है ही नहीं। उलायत कल अनाम बल हूं मबल, वो चौपायों के मानिंद है बल्कि उनसे भी गाय गुजरे। इंसान कहलाने का मुस्तहिक कम से कम वो शख्स है जिसने जिंदगी में कोई ना कोई मकसद मुअय्यन किया, किस लिए जीना है, किस लिए मरना है, जिंदगी काहे के लिए, वो मकसद तो क्या है, असल में तो क्या था, अपने रब को चाहो, उससे मोहब्बत करो, उसको मतलूब बनाओ, तुम्हारा मतलूब सिर्फ अल्लाह हो, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ये था जिसके लिए तुम्हें जीना था, इसी के लिए तुम्हें मरना था। इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस शख्स की ये तौहीद नहीं है वो अकीदे की तौहीद लिए फिरे, अमल में मुशरिक है, शिर्क फिल अमल, जिसका तस्करा पहले भी हो चुका है। लेकिन इन सूरतों में अब एक बड़े सीक्वेंस के साथ आएगी बात, वैसे वो आयत हम पढ़ चुके हैं, और आयत मनी तखदा इलाह हवा को अफानता तकून वाले है वकीला, ए नबी आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना मामूद बना लिया, तो क्या आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी लेंगे, वो कहता तो है अपने आप को मैं मुवाहिद हूं मुवाहिद हूं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स, अपने नफ्स के किसी मुतालबे को पूरा कर रहा है, यह देखे बगैर कि अल्लाह ने इसको हलाल किया या हराम किया है, तो इसका मामूद तो इसका नफ्स है, अल्लाह कहां है। हाँ, अल्लाह के लिए भी जाके नमाज पढ़ लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो नफ्स को अपना माबूद बनाकर शिर्क कर रहा है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तावीज को वो उसके उसके जो है बाकायदा तस्बीह कर रहा है, जरबे लगा रहा है, जबकि उसका माबूद उसका नफ्स है। इसी तरीके से हदीस में आया था, ऐसे अब्दुद्दीन आर अब्दुद्दीन हम, हलाक हो जाए या हलाक हो गया दिरहम व दीनार का बंदा, नाम अब्दुल रहमान है हकीकत में अब्दुद्दीन आर है, इसलिए कि दीनार के लिए हलाल और हराम की सारी उसने तकसीम खत्म कर दी है। डॉलर आए, पेट्रोल डॉलर आए, कुछ और आए, दौलत आए, चाहे हलाल से आए, हराम से आए, जायज से आए, नाजायज से आए, ये तो फिर माबूद कौन हुआ, दौलत। हिंदू में और आप में फर्क क्या है,
हिंदू ने दौलत की देवी भी बनाकर एक रख ली है, वो लक्ष्मी बाई है उनकी, उसको पूजते हैं, दंडवत करते हैं, इसकी कृपा हो जाएगी तो दौलत हो जाएगी। हमने कहा हटाओ इस तकल्लुफ को, इस लक्ष्मी बाई को हटाओ, सीधे दौलत को पूजो, तो दौलत के पुजारी तो हम हैं। ये जो तौहीद है, तौहीद अमली, इसका जो पहला नुक्ता है अल्लाह की बंदगी की तौहीद, तौहीद फिल इबादत, बंदगी सिर्फ अल्लाह की हो, यानी कुल की कुल इताअत उसके लिए हो, बाकी इताअत उसकी इताअत के ताबे हो। बाप का हुक्म मानो, हां, जो शरीयत के खिलाफ ना हो मानो, मां का मानो, उस्ताद का मानो, हाकिम का मानो, मानो जो हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुनाफी ना हो। ला ताअत अल मखलूक इन फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी जिससे कि खालिक की मासियत लाजिम आ रही हो। अगर यह नहीं है और मखलूक में से किसी की भी इताअत आपने कबूल कर ली है जिसमें कि खालिक की मासियत आ रही है, तो यह शिर्क है। चाहे वह मखलूक आपका अपना नफ्स हो, चाहे वह कोई हुक्काम हो, चाहे वह कोई और इदारा हो, कोई भी हो, सब वो सब ताहूत है। तो पहली ये सूरत सूरत उम्र है, इसमें आप देखेंगे किस तकरीर तकरार के साथ बात आ रही है अल्लाह की बंदगी, लेकिन उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए बंदगी। चंद आयतें इसकी हम पढ़ लेते हैं, वैसे ये कि वक्त बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अगली सूरत शुरू होगी तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, सिर्फ इतना फर्क होगा। ये दोनों सूरतें जोड़े की हैं, आपस में जोड़ा है, हकीम और आलिम का फर्क है सिर्फ। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। और यहां हामीम नहीं है, वहां से हामीम शुरू हो जाएगा। जैसे सूरतुल फुरकान बगैर हरूफ मुकत्तआत के है, बाकी सातों सूरतें जो थी वो हम गिन चुके हैं, वो हरूफ मुकत्तआत से। इस किताब का उतारा जाना है उस अल्लाह की तरफ से जो अल अज़ीज है, जबरदस्त है, और अल हकीम है, कमाल हिकमत वाला। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, ऐ मोहम्मद हमने आप पर ये किताब उतारी है हक के साथ। फाबुदिल्लाह मुखलिसल लहुद्दीन, बस बंदगी करो अल्लाह की, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। बंदगी हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, उम्रे हो रहे हैं, हज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ताहूत की इताअत भी हो रही है, हराम खोरी भी हो रही है, जो कुछ सारा कुछ चल रहा है हमारी जिंदगियों के अंदर, सूदी लेन देन भी हो रहा है, वो सब क्या है? ये तो खालिस बंदगी तो ना हुई अल्लाह की, ये तो बड़ी पॉल्यूटेड है, इसके अंदर तो बड़ी बड़ी गंदगियां शामिल हैं। फाबुदिल्लाह मुखलिसल लहुद्दीन, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हो। आगाह हो जाओ, अल्लाह के यहां कबूल है सिर्फ वो इताअत जो खालिस हो, कुछ आधी अल्लाह की आधी किसी और की, दफा करो वो आधी, ये भी उसी को दे दो। अल्लाह अल्लाह बहुत गयूर है, वो कबूल नहीं करता। मेरा बनना है तो पूरे मेरे बनो। या यो नदीन आमनु उदखुलू फिस सिल्म काफ्फा, इस्लाम में दाखिल होना पूरे के पूरे आना पड़ेगा। और अगर तुमने ये किया, अफतो में नूना बेबाजिल किताबें व तकफरूना बेबाज, हमारी किताब के एक हिस्सों को माना, हमारी शरीयत के बाद अहकाम को माना और बाज को ठुकरा दिया, पांव तले रौंद दिया। फमा जदाओ मैया फलो दाले का बिन को मिल्ला खिजयुन फिल हयात दुनिया व यौमल क़यामत युरदून इला अशद्दिल अज़ाब। तो जो लोग ये तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे उनकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया की जिंदगी में ज़लील व ख़ार कर दिया जाए और क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाए। तो दुनिया की रुसवाई तो हमारे सामने, हमारे माथे पर लिखी हुई है। 150 करोड़ या 130 करोड़ दुनिया में होते हुए इज्जत नाम की कोई शय हमारे पास नहीं। जो भी बैन अल-अक़वामी मामलात हुए उनमें कोई हमसे कोई राय लेता ही नहीं। अलाल्लाहिद्दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के यहां मकबूल अगर होगा तो दीन खालिस। वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ और को औलिया बनाया हुआ है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हैं हम नहीं इनको नहीं पूछते, हम तो असल में अल्लाह ही को पूछते हैं। इनको सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये हमारे ये वसीले हैं, इनके जरिए से हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, इसलिए पूछते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फी मा हुम फीह यख्तलिफून, यकीनन अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके माबैन उन तमाम चीज़ों में जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार,
अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता उनको जो झूठे हों और नाशुक्रे हों। कफ्फार लव अराद अल्लाहु यतखज़ वलदन लस्तफा मिम्मा यखलुकु मा यशा सुभाना। अगर अल्लाह का वाकई इरादा होता कि वो किसी को औलाद बनाए तो ठीक है, अपने अपने जो मखलूक है उनमें से जिसको चाहता चुन लेता, लेकिन उसके यहां औलाद का तो तसव्वुर नहीं है, उसकी औलाद कोई है ही नहीं, एक खालिक है बाकी सब मखलूक है, तो फरिश्ते भी मखलूक हैं, तो अल्लाह को जरूरत क्या पड़ी है किसी को अपना बेटा बनाने की या बेटी बनाने की। सुभानहु वो पाक है, हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो तो अल्लाह है अकेला है कहार है और खुद छाया हुआ है कुल कायनात के ऊपर, कुल तखलीक कुल मखलूकात के ऊपर उसकी हुकूमत कायम है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अजीम व नफानी व इयाकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। खलक समावात वल्लर्द बिल्हक, अल्लाह ने पैदा किया है आसमानों और जमीन को हक के साथ, यानी बामकसद है, नतीजा खेस तखलीक है ये, बेनतीजा का कार्य अबस और बातिल नहीं है। युकव्विरुल्लैल अलन नहार, वो रात को लपेट देता है दिन पर, वह युकव्विरुल्नहार अलन लैल, और दिन को लपेट देता है रात पर। अब ये जो है कहीं यूलजुल्लैल फिन नहार आता है, कहीं युकव्विर आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं ताबीरात हैं, लेकिन मकसद क्या है कि ये दिन और रात का जो उलट फेर है तो ये भी बेमकसद तो नहीं है। आपको मालूम है कि पूरा निज़ाम जो चल रहा है इसी के हवाले से है, पूरा आलम नबातात का जो रेस्पिरेशन का निज़ाम है वो इसी के साथ मुतालिक है, लिहाजा यहाँ कोई शय भी बेमकसद नहीं है। जब कोई शय बेमकसद नहीं है तो इंसान कैसे बेमकसद हो सकता है, किस लिए उसको पैदा किया। हदीस में जैसा कि आया कि इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम वअंतुम खुलिकतुम लिलआखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। जब तक कि आखिरत का तसव्वुर ना हो फिर इंसान का और ख़ासतौर पर इंसान में जो अखलाकी हिस है, एक मॉरल सेंस है उसके अंदर, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ बुरी हैं इसका एहसास है उसके अपने अंदर, तो इसका कोई नतीजा कहाँ आखिर निकल रहा है दुनिया में, इसके लिए दूसरी जिंदगी और बाद से बादल मौत लाजमी है। मसखर शम्स वल कमर, और उसने मुसखर कर दिया सूरज को भी और चांद को भी, कुल्लू यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ये सब के सब चल रहे हैं एक वक्त मुअय्यन तक के लिए। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ्फार, आगाह हो जाओ वो ज़बरदस्त है और बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा, उसने बनाया है तुम्हें एक ही जान से एक ही जी से। अब इसको जो लोग एवोल्यूशन को मानते हैं या समझते हैं कि कुरान मजीद के साथ उसके बाद अज्जा की मुताबिकत है, वो ताबीर करते हैं कि एक ही यानी इब्तदा में जो हैवानात पैदा किए गए हैं जो लोअर एनिमल्स हैं बिल्कुल शुरू में उनमें सेक्स नहीं था, जैसे कि एमीबा है वो बस दो हिस्सों में तकसीम हो गया यही उसकी औलाद हो गई, वो जो बाप कह लें माँ कह लें वो एक ही है। उसके बाद ऐसे भी पैदा हुए कि जिनमें एक ही जानवर में दोनों सेक्स हैं, ये जो राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म जो जो बरसात में जो निकल आते हैं बहुत लंबे लंबे से कीड़े, ये हर्मफ्रोडाइट हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से रफ्ता रफ्ता फिर डिफ्रेंसिएशन हुई, मेल अलहदा हो गया फीमेल अलहदा हो गए। खलकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा, उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। वअंज़ला लकुम मिनल अनआमि सबानियत अज़वाज, और तुम्हारे लिए आठ जोड़े उतार दिए तुम्हारे मवेशियों में से। आमतौर पर अरब में जो मवेशी मौजूद थे उनमें से ऊँट नर और मादा, गाय नर और मादा, इसी तरीके से भेड़ नर और मादा, और बकरी नर और मादा, ये जो हैं उनके यहाँ यही मवेशी थे। समानियत आजवाज, ये सूरह अनआम में भी आ चुका है वो आप हम हमें याद होगा। मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, ये वहाँ आ चुका है। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम, और वो तुम्हें पैदा करता है तुम्हारी माओं के पेटों में। खल्कन बादा खल्किन, एक खल्क के बाद दूसरी खल्क, तखलीक के बाद मराहिल हैं उसके, नुतफा है अलका है मुजगा है मुखल्लका गैर मुखल्लका, फिर उसको जो और फिर खल्कन आखर, एक और ही तखलीक है। उस पर मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इस मौजू पर ज़रवा सलाम जो है कुरान मजीद का वह सूरह मोमिनून का पहला रुकू है। फिर ज़ुलुमातिन सलास, ये जिक्र यहाँ आया है, तीन पर्दों के अंदर तखलीक हो रही है, यानी एक पर्दा ये पेट की दीवार है जो मर्दों की भी दीवार है, ये पेट की एब्डोमिनल वॉल है। दूसरा पर्दा फिर जो यूट्रस है रहम है माँ का, उसकी मोटी दीवार है। तीसरी वो झिल्ली है जिसमें के वो बच्चा जो है जनीन लिपटा हुआ होता है। अब देखिए ये भी जाहिर बात है उस वक्त जो है जेनेटिक्स भी नहीं पढ़ाए गए थे ना ये
पढ़ाई गई थी, एम्ब्रियोलॉजी कुछ भी नहीं था, लेकिन फी ज़ुलुमातिन सलास, यही वजह है जो मैंने आपको बार बार बताया है कि कीथल मूर्च जो कि एम्ब्रियोलॉजी पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी समझा जाता है, उसने माना है कि कुरान मजीद में जिस तरीके से ये बयान हुआ है वाकईतन हैरान कुन है। तो तीन पर्दों के अंदर अल्लाह जैसा चाहता है बना रहा है, उसका मुंह कलम तो अल्लाह ही कर रहा है, शक्ल बना रहा है उसकी जो भी कर रहा है, अब हम उसको तशबीह तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह बना रहा है। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम, वो बनाता है तख्लीक करता है तुम्हारी माओ के पेटों में, खलकन बादा खलकन, एक तरह से दूसरी तरह, एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा, फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों में। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब, लहुल मुल्क, बादशाही भी उसी की है, ला इलाहा इल्लाहु अफन्ना तुसरफून, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो किधर फेरे जा रहे हो, फिराए जा रहे हो। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनीयुन अन्कुम, अगर तुम कुफरान नेमत करते हो, कुफर करते हो, तो अल्लाह गनी है, उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, एहतियाज नहीं है, ये ना समझो कि उसकी सल्तनत में कोई कमी आ जाएगी। वला यरज़ा लिबादिल कुफ्र, लेकिन वो अपने बंदों से कुफर पर राजी नहीं है, इख्तियार तो उसने दिया है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहो तो शुक्रगुजार बंदे बनो, चाहो कुफरान नेमत के लिए भी इख्तियार कर लो, चॉइस इज योर्स, लेकिन ये जान लो अल्लाह राजी नहीं है कुफर पर, राजी वो होता है, व इन तश्करू यरज़ुकुम लकुम, अगर तुम उसका शुक्र करो, उसकी तारीफ करो, उसकी बंदगी करो, फिर वो तुमसे राजी होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और नहीं उठाएगी कोई उठाने वाली जान किसी दूसरी जान के बोझ को। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हारा लौटना है अब तुम्हारे रब ही की तरफ, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बता देगा, मुतनब्बे कर देगा जो कुछ के तुम करते रहे थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यकीनन वो जानने वाला है सीनों के अंदर छुपी हुई बातों का भी, जो राज हैं तुम्हारे सीनों में। वैज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दुआ रब्बहु मुनीबन इलैह, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है वो अपने रब को पुकारता है, दुआएं करता है उसकी तरफ रुजू करते हुए। सुम्मा इज़ा खव्वलहु नेमतम मिन्हु, और जब अल्लाह ताला उसको उढ़ा देता है, उसके गिर्द अपनी नेमत का खौल ले आता है, खव्वलहु उसे लपेट लेता है अपनी नेमत में, नसिया मा काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, तो जो पहले वो जिस चीज़ के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहा था सब भूल जाता है। वजअल लिल्लाहि अंदादा, और इससे उससे भी बढ़कर जो करता है शरारत वो ये है कि अल्लाह के मुद्दे मुकाबिल ठहरा लेता है, ले युदिल अन सबीलिही, ताकि बहकाए लोगों को उसके रास्ते से। कुल तमत्ता, तो अल्लाह ताला की तरफ फरमाया जा रहा है, नबी कह दीजिए उठा लो कुछ दुनिया के कुछ जो मजे हैं वो लूट लो, बेकुफर का अपने कुफर के साथ, कलीलन लेकिन बहुत कम, चंद दिन की जिंदगी है, इसमें जो तुम्हें अय्याशी करनी है कर लो, इन्नका मिन असहाबिन नार, फिर मुस्तकिल तौर पर तो तुम आग वाले हो, तुम्हें आग के अंदर झोंका जाएगा। अमन हुआ कानतुन आना लैल साजिदन व कायमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी, इस सूरत में यह खास उसलूब कई मरतबा आएगा कि एक चीज़ को, एक जुमले को आगे नामुकम्मल छोड़ देते हैं कि उसे खुद इंसान पुर करे, फिल इन दी ब्लैंक, वो खुद ब खुद उसके अंदर मुकद्दर तो है लेकिन उसको वाज़ह तौर पर नहीं किया जाता। मसलन उसकी मिसाल, और ये कई दफ़ा आएगा उसमें, अब मन हुआ कानतुन आना लैल, भला वो शख्स कि जो खड़ा रहता है बंदगी करता है रात के वक्त भी, साजिदन व कायमन, कभी सजदे में पड़ा हुआ है कभी खड़ा हुआ है, यह ज़रूर आखिरता, जो आखिरत से डरता रहता है, वह यरजू रहमत रब्बिही, और साथ ही अपने रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। बस आगे कुछ नहीं, मुराद क्या है, क्या भला ये शख्स कमन हुआ गाफिलुन, क्या बराबर हो जाएगा उसके जो गाफिल है, भला वो शख्स जिसकी कैफियत ये है कि वो फरमाबरदार है, रातों के औकात में भी सजदे में भी और खड़े होकर भी अल्लाह की बंदगी करता है, आखिरत का खौफ उसके दिल में है लेकिन अपने रब की रहमत की उम्मीद भी है। कमन हुआ गाफिलुन, क्या वो शख्स बराबर हो जाएगा उसके कि जो गाफिल है। कुल, कह दीजिए, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग कि जो इल्म रखते हैं और वो कि जो इल्म नहीं रखते। इन्नमा यज़क्कर उलुल अलबाब, हकीकी नसीहत और सबक तो हासिल वही करते हैं कि जो अकलमंद लोग हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनू, देखिए फिर आगे आइए, सीधा या अय्युहल लज़ीना आमनू नहीं है, ये मक्की सूरतें हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनू, कह दीजिए ऐ नबी, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करो, जिन चीज़ों से उसने रोक दिया रुक जाओ, और तुम्हारे अंदर उसकी रजा जुई रहनी चाहिए। बिल्लज़ीन अहसनू फी हाज़िही दुनिया हसना, जो लोग नेकी की राह परविश इख्तियार करेंगे, एहसान की रविश इख्तियार करेंगे, उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है। वह अर्दुल्लाह वासिया, और ज़मीन अल्लाह की बड़ी वसी है,
अगर यहां रहते हुए तुम्हारे लिए तौहीद पर कारबंद रहना मुमकिन नहीं है तो हिजरत करो। इन्नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, यकीनन साबिरों को सब्र करने वालों को उनका अजर पूरा पूरा दे दिया जाएगा। युवफ़ा भी है, पूरा दे दिया जाएगा, फिर बगैर हिसाब भी। इसका मतलब है मजीद फजल जो होगा वो बगैर हिसाब होगा, उसमें किसी हिसाब का सवाल नहीं। कुल इन्नी उमिर तो, अब देखिए फिर वो जो शुरू का मजमून था ये इस सूरत का उमूद है, किस तरह बार बार आएगा। अब कुल इन्नी उमिर तो आबुद अल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कह दीजिए नबी मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हूं। यहां मैं चाहता हूं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। देखिए इबादत के आप यूं समझिए कि एक इबादत का जाहिर है और एक इबादत की असल हकीकत है, फिर यह कि एक उस हकीकत में भी एक रूह है और एक उसका जसद है, एक उसके रसूमात है। रस्म कहते हैं किसी शय की जाहिरी शक्ल। इबादत की रस्म जिसको मरासिम इबादत कहते हैं, ये मरासिम अबूदियत क्या है, जिसकी आप इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने अदब के साथ खड़े रहते हैं, उसके कुछ हम्द के तराने गाते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, इनको हम कहेंगे मरासिम अबूदियत। रस्म कहते हैं किसी चीज की जाहिरी शक्ल। ये हरूफ है और ये रस्म जो है रस्मुल खत, इसी तरह ये कुरान और ये उसका रस्म उस्मानी है, इसका लिखा हुआ जाना जैसे कि ये रस्म जाहिर है। तो एक तो ये चीजें हैं इबादत जिसे दुनिया में समझा जाता है इबादत, ये मरासिम उबूदियत है। असल इबादत जो है उसका भी एक जसद है और एक रूह है। जसद क्या है? इताअत, जिसकी इबादत है कुल्ली इताअत, हम अतन इताअत, हम वक्त इताअत, गुलामी, अब्द के मानिए गुलाम। चुनाते दो दफा हम पढ़ चुके हैं कि फिरौन ने कहा था बनी इसराइल के बारे में कौम हुमा लना आबिदून, ये जो हारून और मूसा की कौम है वो तो हमारी गुलाम कौम है, और जाहिर बात है वो परस्तिश नहीं करते थे, वो किबतियों को पूजते नहीं थे, वो उनकी नमाज नहीं पढ़ते थे, वो उनको सजदा नहीं करते थे माज अल्लाह। लेकिन गुलामी जो है असल शय इताअत, ये तो असल जिस्म है, असल इबादत का जो है जिस्म जसद जो है वो है इताअत। लेकिन जो चीज इस इताअत को गुलामी से आगे बढ़कर इबादत बना देती है वो उसकी रूह है, रूह मोहब्बत। जिस हस्ती की इताअत मोहब्बत के साथ की जाएगी वो इबादत हो जाएगी। एक जबरन इताअत की जा रही है, अब जैसे कि अंग्रेज की हम इताअत करने पर मजबूर थे, हम इताअत कर रहे थे, इबादत नहीं कर रहे थे लेकिन इताअत कर रहे थे, लेकिन किसी की मोहब्बत के संजज्बे से सरशार होकर इताअत की जाएगी तो वो इबादत बन जाएगी। तो अल्लाह की इबादत के लिए जो भी डेफिनेशन उसकी इमाम इब्ने तैमिया और हाफिज इब्ने कय्यम उस्ताद और शागिर दोनों की है वो ये है कि इसके दो अज्जा हैं, अल इबादत व तजमाउ असलैन गायत अल हुब्ब मा गायत अज़्ज़ुल्ल वल खुज़ू, कि दो चीजों को जमा करने से अल्लाह की इबादत जो है वजूद में आती है, हद दर्जे की मोहब्बत अल्लाह के साथ और हद दर्जे में अल्लाह के सामने अपने आप को बिछा देना, मुती और मुनकाद हो जाना। अच्छा ये तो है असल इबादत, लेकिन इसके लिए जो रस्म है वो क्या है? कभी कभी खड़े होकर कभी सल्यूट कर लेना है, कभी हाथ जोड़ देना है। अब हिंदुओं के यहां हाथ जोड़ना है, ये उनके यहां की रस्म है, कुनूत है, हमारे यहां कुनूत है, अदब के साथ खड़े होना है, कहीं जो झुक जाना है, रुकू करना, कहीं सजदा करना है, हम्द के तराने जो है पढ़ रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, ये उसकी मरासिम अबूदियत है। इबादत असल क्या है? इताअत कुल्ली, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर। तो इस सूरत का जो उमूद है वो ये है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। इताअत में आपने किसी और को शामिल कर दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ हिम, अल्लाह की इताअत से आजाद, मुस्तकिल बिज़ात इताअत, ये शिर्क है और वो इताअत अल्लाह को कबूल नहीं। वो मुंह पर दे मारेगा, ये मुझे 25% इताअत नहीं चाहिए आपकी, आप लीजिए अपने सर पास रखिए, मुझे तो चाहिए 100%। उदखुलू फी सिल्मे काफ्फा, और हम समझते हैं कि हम 5-10% भी तरखा लेंगे अल्लाह ताला को तब भी हमें जन्नत वो दे ही देगा। यही है असल में हमारा जो सारे सोच का फतूर है, ये कुल जिंदगी और कुल बंदगी जो है इसका तसव्वुर ज़हनों से निकल चुका है। ये तसव्वुर है जो इस सूरत से अब इसकी जड़ पड़ रही है, और ये दर हकीकत क्लाइमेक्स को पहुंचेगा चौथी सूरत में जाकर, सूरह शूरा में, वो हम कल पढ़नी इंशाल्लाह। तो देखिए फिर आ गया कुल इन्नी उमिर तो अबुद अल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कह दीजिए मुझे तो हुक्म हुआ कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। वह उमिर तो लिया नकून अव्वल अल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म हुआ कि सबसे पहला मुस्लिम, सबसे पहला फरमा बरदार मैं खुद बनूं। यह नहीं है कि मैं तुम्हें फरमा बरदारी की दावत दे रहा हूं, खुद जो है मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, यह नहीं।
قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا, میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں سمجھتا, میں بھی بندہ ہوں, اگر میں معصیت کروں, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے, ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں حضور کے لیے, لیکن سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. قل اللہ آمنوا مخلصا لہ دینی, پھر وہی. حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہمارے نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے, ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں. یہ تو کمال اللہ کا ہے فصاحت و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا, بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے. پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ, تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم, کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اہلیہم اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا. یوم القیامہ, قیامت کے دن. یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے, پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے, لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر, تو تم اور ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے, تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان اللہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو, جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورۃ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے, جہنم کی آگ سے. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و عیال کو, ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ اللہ ذالک هو الخسران المبین, آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ ظلل آگ کے, ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ پر تہ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو. یا عباد فتقون, اے میرے بندوں پس ڈرو بچو, اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا, ان سے کنارہ کشی کر لی, ان کی بندگی نہیں کی. اور یہ طاغوت کا سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے مارے ہیں, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. تغا, تغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی. دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے, کیا خوبصورت منظر ہے, اور وہ حد سے باہر نکل رہا ہے, طغیانی آ گئی. یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے, اللہ کا خلیفہ ہے, اشرف المخلوقات ہے, اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا, اپنے نفس کو بنا لیا متا یا کسی اور کو بنا لیا متا, خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر, تباہی ہے بربادی, وہ طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں, وہ انابوا الی اللہ, اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف, رجوع کر لیا اللہ کی جانب, لہم البشرا, ان کے لیے بشارت ہے, فبشر عباد, تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو لوگ کے کلام سنتے ہیں, بات سنتے ہیں, اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے, بہترین پہلو ہوتا ہے, اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے, اس کے بھی درجے ہیں. ایک درجہ ہے صرف اسلام کا, ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان, ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان. واللہ یحب المحسنین, تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی, بہتر سے بہتر ہے, جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں,
और दीन में हम कहते हैं थोड़ा और कम पर भी गुजारा हो जाए, कहीं और थोड़ी रियायत करके पीछे चले जाएं, पास हो जाएं किसी तरह, कम से कम के लिए। यह है दरहकीकत जो कि बरअक्स रविश होनी चाहिए। फयत्तबिउन अहसन, अजीमत का रास्ता इख्तियार करो बेहतर से बेहतर के लिए। एम हाई, दीन के मामले में भी अपना इरादा जो रखो वो ऊंचा रखो। यस्तमिउन अल-कौल, जो बात सुनते हैं, फयत्तबिउन अहसन, जो उसकी अहसन तरीन फिर उसके अंदर जो पहलू है उसको उसका इत्तबा करते हैं। उलाए कल्लजीन हदाहुम अल्लाह, ये हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है। वह उलाए कहुम उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं कि जो उलुल अलबाब है, होशमंद है, अकलमंद है। अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब, और यहां फिर वही आ गया, भला वो शख्स के जिस जो मुस्तहिक हो चुका है, जिस पर लागू हो चुकी है अजाब की बात, यानी जो मुस्तहिक हो गया अजाब का, इसके बाद क्या फिर छोड़ दिया गया। कमन हुआ फिल जन्ना, क्या वो बराबर हो जाएगा उस शख्स के जो जन्नत में जाने वाला है, ये गोया कि यहां पर महजूफ है। अफान तुल्किदो मन फिन्नार, तो ए नबी क्या आप उसको निकाल सकेंगे आग से, उसके ऊपर तो अल्लाह की तरफ से वो कानून आयद हो गया, दफा लग चुकी, जैसे आप कहते हैं उस पर तो दफा 302 लग गई, तो जिन लोगों पर वो दफा लग चुकी है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये लोग उस मकाम को पहुंच गए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को, कि अब इनके दिलों पर मोहर कर दी गई, अब ये ईमान नहीं लाएंगे, तो उनको ए नबी आप उनको अब आग से निकाल नहीं सकते। लाकिन लदीन तकौर अब बहू, लेकिन वो लोग कि जो लोग अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनिया, उनके लिए तो बाला खाने होंगे, उनके ऊपर और बाला खाने होंगे एक दूसरे के ऊपर। अल्लाह ताला जन्नत के स्काई स्क्रेपर्स देगा, जैसे कि आज आप देखते हैं 102 मंजिलें और 110 मंजिलें चली जा रही हैं, तो गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुन, बाला खाने और बाला खानों पर बाला खाने, मबनिया जो चुने हुए होंगे एक दूसरे के ऊपर, तजरी मिन तहतिल अनहार, उनके दामन में नदियां बहती होंगी। वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है जो हो चुका, ला युखलिफुल्लाहु मीआद, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाए मान, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फसलकहू यनाबीअ फिल अर्ज, फिर उसको चला दिया चश्मों की शक्ल में जमीन में, सुम्म युखरिजु बिही ज़रअन, फिर उन्हीं के जरिए से निकालता है, उसके जरिए से निकालता है वो खेती को, मुख्तलिफ़न अलवानुहू, जिसके रंग है मुख्तलिफ, सुम्मा यही जो फिर वो खेती जो है तैयार हो जाती है, बड़ी उसके शान शौकत होती है, फतराहु मुस्फर्रन, फिर देखते हो कि वो जर्दी माइल हो गई, सुम्मा यजअलुहू हुतामा, फिर वो खेती कट गई और अब यूं समझिए कि वहां खाक उड़ रही है, या ये कि तूड़ी के कोई तिनके कहीं कहीं पड़े हुए नजर आ जाएंगे, चूड़ा हो गई। इन नफीजालिक जिक्र आ रही अलबाब, इसी के अंदर है याद दहानी और सबक होशमंद लोगों के लिए कि यही मामला तुम्हारा है। जब तुम पैदा होते हो तो जैसे खेती नई नई उपजती है तो किसान कितना खुश होता है, किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ कितनी खुशी हो रही है, उसकी आमद को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, फिर वो जवानी को पहुंचता है, फिर उसके बालों में सफेदी आई, आसाब जो है और जो कवा कमजोर पड़े, और फिर उसके बाद वो कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी होकर मिट्टी में फिर मिल गया। तो ये लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल, बस ये है कि ये 50, 60, 30, 40 बरस का है, वो चंद महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है, साइकिल वही है, वो भी लाइफ है, ये भी लाइफ है। द प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ, बायोलॉजी की ये दो शाखें हैं, बॉटनी है तुम्हारा, बायोलॉजी लाइफ द साइंस ऑफ लाइफ, उसके दो हिस्से हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, हैवानात की लाइफ और नबातात की लाइफ। अफमन शरह अल्लाह सदरहु, फिर वही हज़्फ का मौजूद का असलूब आ रहा है, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहु अला नूरिन मिन रब्बिही, भला वो शख्स कि जिसके सीने को अल्लाह ने खोल दिया हो इस्लाम के लिए और वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, अंदरूनी बसीरत उससे हासिल है, अंदर उसका जगमगा रहा है अल्लाह के ईमान के जरिए से और जो बसीरत अल्लाह ने उसे अता कर दी है। अब फिर आगे इसको छोड़ दिया गया, क्या मतलब है, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, जो अपने नूर के, जो अपने रब की तरफ से नूर के पर है, कमन हुआ फिस ज़ुलुमात, क्या वो उस शख्स के मानिंद हो जाएगा जो अंधेरों में भटक रहा है, लेकिन नहीं, उसको यहां दर्ज नहीं किया। फवैलुन लिल कासियत कुलूबहुम, तो हलाकत और बर्बादी है उन लोगों की जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, यानी इतने सख्त हो चुके हैं कि उनमें गुदाज ही नहीं है, उनमें अल्लाह के लिए कोई शौक ही नहीं है, अल्लाह को याद करने का कोई शौक ही नहीं है, उनके दिल सख्त हो चुके हैं, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। उलाए का फी दलाली मुबीन, यकीनन ये लोग हैं खुली गुमराही में, भटके हुए हैं। अल्लाह नज़ल अहसन अल हदीस किताबन मुतशाबिहन,
اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث. اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے, حدیث قرآن, قرآن قرآن ہے, حدیث حدیث ہے, حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا. ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے, حدیث رسول ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے. بہترین حدیث قرآن ہے. فبأي حدیث بعده يؤمنون, اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے, اللہ کا کلام ہے یہ. تو اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے, بہترین کلام نازل فرمایا ہے, کتاباً, کتاب کی صورت میں, متشابہاً, اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں. اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے, حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے, کچھ نہ کوئی فرق ہے, لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا, مشابہ تو ہے نا. قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں. تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں, صورتوں کے جوڑے ہیں, مسانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں, دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر. اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں, جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ھاد, اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, پھر وہی حذف کا موضوع ہے, کا اسلوب ہے. بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, جو روکتا ہے اپنے منہ سے, آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے, آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے, چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے. افمن یتقی بوجہ ہی, اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب, عذاب کو, یوم القیامہ, قیامت کے دن, تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روح و ریحان و جنت النعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوگے. بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن, وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے, یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے. کذب الذین من قبلہم, اے نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں, ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے, کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں, کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ وہ دھیان کریں, تاکہ وہ توجہ کریں, سبق حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج, اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی, فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے. غیر ذی عوج, اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, سلیس ہے. اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا دھوس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر, تو وہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے, تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون, شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی, ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں, چار آدمیوں نے مل کر خرید لیا ایک غلام. اب وہ غلام چار کا غلام ہے, چار اس کے آقا ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی.
एक आका कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, एक बॉस जो है वो कुछ कह रहा है, दूसरा बॉस कुछ और कह रहा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट के जो उसूल है, तो उसमें जो सीधी लाइन जब तक ना हो, उससे तो सारा फसाद बन जाता है। अब वो जो बेचारा गुलाम है जिसे चार आकाओं को खुश करना है, उसकी तो जान हर मस्जिद के अंदर है। वह रजुलन सलमन ले रजुल, और एक शख्स है जो पूरा का पूरा एक शख्स का गुलाम है। तो एक आका को राजी कर लेना, उसकी खिदमत करना, उसको मुतमइन करना कितना आसान है, जबकि एक से जायद आकाओं को मुतमइन करना और खुश रखना और उनकी खिदमत का हक अदा करना बहुत मुश्किल है। यही शिर्क और तौहीद का मामला है। एक अल्लाह के बंदे बन जाओ, इसी में सुकून है, इसी में इत्मीनान है, इसी में चैन है। जहनी सुकून और कल्बी इत्मीनान भी इसी में है, रूहानी सुकून भी इसी में है। और जब तुम ये कि ये शिर्क और बहुत से देवी और बहुत से देवता, तो हर वक्त जो है वो जान कांपती रहेगी कि एक देवी राजी हो रही तो दूसरी नाराज हो रही है, और एक देवता जो है उसकी कुछ दंडवत की है तो दूसरा नाराज होगा कि मेरे यहां कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाया। तो ये तो इनकी जान तो हर वक्त जो है मुसीबत के अंदर रहेगी। ज़रब अल्लाह मसलन रजुलन फीह शुरका मुतशाकिसून, और वो शरीक जो है उसके आका वो जिंदी भी है, एक दूसरे के साथ इराद रखने वाले भी हैं, तो उसका क्या हाल होगा उस गुलाम का जो उन चार आकाओं का गुलाम है। वह रजुलन सलमन ले रजुल, और एक गुलाम वो है, एक शख्स वो है कि जो एक ही आदमी का गुलाम है। हल यस्तवियान मसला, क्या ये बराबर हो सकते हैं मिसाल में। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल तारीफ अल्लाह के लिए, यानी ये कि साफ बात हो गई कि तौहीद ही सही रास्ता है। बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन ये कि इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी आपको भी वफात पाना है, मौत आप पर भी वारिद होगी और ये सब भी मरेंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर तुम अपने रब के पास क़यामत के दिन आपस में झगड़ोगे। क्या झगड़ोगे? हुजूर कहेंगे कि मैंने तो ये इनको बता दिया था सारा कुछ, अल्लाह जो तूने भेजा था मैंने पहुंचा दिया था। उनमें से हो सकता है कुछ खड़े होकर ये प्ली ले कि नहीं नहीं मुझ तक बात नहीं पहुंची थी। ये झगड़ा होगा फिर, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जवाबदेही उनसे भी होगी। सूरह आराफ की आयत नंबर 6 बड़े अहम आयात में से है वो कुरान मजीद के, फलनसअलन्नल लजीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम उनसे भी पूछेंगे जिनके तरफ रसूलों को भेजा, और उनसे भी पूछेंगे जिन्हें रसूल बनाकर भेजा। तुमने हमारा पैगाम पहुंचा दिया था, ये हमने पहुंचा दिया था। इसीलिए हुजूर ने गवाही ले ली थी हजतुल विदा में, अला अल बल्लग, तो लोगों मैंने पहुंचा दिया कि नहीं। और पूरे मजमे ने कहा इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगता व दैता व नसहता, हाँ हुजूर हम गवाह हैं, आपने हक तबलीग अदा कर दिया, हक खैरखाही अदा कर दिया, और आपने हक अमानत अदा कर दिया। फिर आपने अल्लाह से खिताब करते हुए आसमान से भी इशारा किया, उंगली से इशारा किया आसमान की तरफ, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी गवाह है, ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया फल युबल्लिगिश शाहिदुल गायबा, अब मैंने तो तुम्हें पहुंचा दिया है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम पहुंचाओ उनको जो यहां मौजूद नहीं है। यह है सिलसिला जो शुरू किया है। यह गोया के जो मैंने कल बताया था रसूल और रसूलिल्लाह है, अब गोया के पूरी उम्मत जो है वो अल्लाह के रसूल की रसूल है। अल्लाह के रसूल ने बाकी पूरी नौ इंसानी के लिए अपनी उम्मत को यह काम सौंप दिया है कि जैसे मैंने तुम्हें पहुंचाया था तुम्हें पहुंचाना है पूरी नौ इंसानी को। तो पूरी उम्मत गोया के रसूल और रसूलिल्लाह है, अल्लाह के रसूल की रसूल, कि अल्लाह ने भेजा मोहम्मद को और मोहम्मद ने वो जिम्मेदारी उनके अपने कंधे से उनके कंधों पर मुंतकिल कर दी। ये है सूरत हाल, जिसको दो जगह कुरान में कहा गया, सूरह हज में भी हम पढ़ चुके, वजतबाकुम वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज इला कौलिही तआला लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदा अलन्नास। और उधर सूरह बकरा के अंदर कह दिया गया हिजरत के इधर हिजरत के उधर, ये दोनों सूरतें हिजरत से मुतसलन कबल हज, और हिजरत के मुतसलन बाद अल बकरा। और उधर क्या आ गया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अला नास वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, सिर्फ तरतीब बदली है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़बा अला अल्लाह वकज़बा बिस्सिद्क इज़्ज़ा, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, झूठ कहे, उसे कोई वही ना आई हो और वो कहे कि मुझ पर वही आई है। वह कज़्ज़ब बिस्सिद्क, या और ये एन और ये दोनों जमा कीजिएगा वो बाद में बताऊंगा, वह कज़्ज़ब बिस्सिद्क, और झुटलाए सच्ची बात को जबकि उसके पास आ गई। ये दोनों एक शख्स के किरदार भी हो सकता है कि वह अल्लाह पर झूठ तोहमत जो है जड़ रहा है, और खुद जो है जो अल्लाह की तरफ से हक आया है उसकी नफी कर रहा है, तरदीद कर रहा है।
اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے اور اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوا للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے، والذی جاء بالصدق وصدق به، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں، اور وہ شخص کے جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں، وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے. وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے. یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طبع بشری، تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا صدور نہیں ہونے پاتا. باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا. کوئی لغزش ہے، کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا. ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات ہیں، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کم تر درجے کی نیکی، اس سے کم تر درجے کی نیکی. لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا. جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا وعملوا وجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے، اللہ کافی ہے. اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت، تمہاری مدد، اس کے لیے اللہ کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں، اے نبی یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اب ذرا انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی، اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی. انہوں نے کہا تھا مجھے کس سے ڈراتے ہو، بدبختو ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو، بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ نے. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا،
अगर अल्लाह ने मेरे लिए किसी तकलीफ का फैसला कर लिया हो तो क्या वो तुम्हारे माबूद मेरी उस तकलीफ को दूर कर सकेंगे। देखिए जाहिर बात है वो भी मानते थे कि बड़ा अल्लाह तो वही है अल्लाह, ये छोटे हैं तो बड़े का हुक्म चलेगा कि छोटे का चलेगा। अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया हो मेरी तकलीफ का, मेरे लिए किसी जरर का, तो क्या ये तुम्हारे माबूद तुम्हारे अपने अकीदे के मुताबिक जो बात है उससे सोचो कि क्या वो उसको अल्लाह के फैसले के आड़े आ सकते हैं। और अरादा भी मेरी रहमत, और अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए रहमत का कोई फैसला कर लिया है, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमत ही, क्या उनमें इतनी ताकत है कि मेरी उसकी रहमत को रोक ले। कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए मेरे लिए तो मेरा रब काफी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर तवक्कुल करते हैं करने तवक्कुल करने वाले। قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, कह दीजिए नबी ए मेरी कौम के लोगों कर लो जो कुछ तुम कर सकते हो, मेरे खिलाफ जो साजिशें करनी है कर लो, जो तदबीरें करनी है कर लो, जो कुव्वत जमा करनी है कर लो। इन्नी आमिल, मैं भी अपनी सी मेहनत कर रहा हूं। فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कौन कामयाब होता है कौन नाकाम। मैं आती है अजाब युजी है, किस पर आता है वो अजाब जो उसे रुसवा कर दे। वह यहिल्लु अलैहि अजाबुल मुकीम, और उसके ऊपर अजाब वो नाजिल हो जाए कि जो हमेशा रहने वाला हो। इन्ना अंजलना अलैकल किताब लिन्नास बिलहक, ए नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर यह किताब नाजिल कर दी है लोगों के लिए हक के साथ। फमन इहतदा फलिनफ्सिही, तो जो कोई हिदायत के रास्ता इख्तियार करता है वो अपने भले के लिए। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो उसका सारा वबाल उसी के ऊपर आएगा। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और आपको इनके ठेकेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, मसूल नहीं है, आपके जो है इनके आपसे इनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, बासपुस नहीं होगी। आपसे तो पूछा जाएगा आपने पैगाम पहुंचा दिया था या नहीं, बस उसके बाद आपका फर्ज खत्म हुआ। अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, इस आयत को भी फिर नोट कर दीजिए। कादियानियों ने जो भी फसाद जहनों में पैदा किया हुआ है, ये मैं सूरह आले इमरान से लेकर मुसलसल इसको वादे कर रहा हूं कि ये तवफ्फी जो है, तवफ्फा या तवफ्फा बाबे तफाउल, पूरा पूरा ले लेना, कब्ज कर लेना, कब्जे में ले लेना। अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है जानों को और शऊर को जबकि उसकी मौत का वक्त होता है। वल्लकी लम तमुत फी मनामिहा, जिनके मौत का वक्त नहीं है तो नींद में कब्ज कर ले, नींद में शऊर चला गया, जान मौजूद है। मौत जब होती है शऊर भी गया जान भी गई, जिस्म यहां है। और हजरत मसीह को लिया गया शऊर भी जान भी जिस्म भी, तो गोया के तवफी जो है तमाम कमाल जो हुई है वह हजरत मसीह की हुई है अलैहिस्सलाम। बाकी ये गोया के इस्तियारत है तवफी, नींद में भी हमारा शऊर चला गया, और असल शह तो शऊर ही है इंसान के, अगर जी फिर अगर शऊर ही नहीं है तो फिर क्या है उसके अंदर। वो अल्लाह ने उस वक्त उससे ले लिया है, छीन लिया है, अल्लाह ताला ने सल्ब कर लिया, कब्ज कर लिया है। तो गोया कि ये लफ्ज जो इतलाक हो रहा है इसका नींद पर भी हो रहा है। फयूम से कुल लती कदा अलहल मौत, तो जिसकी मौत का अल्लाह फैसला कर चुका है उसको अपने पास रोके रखता है। वयूर से बिलखरा अला अजल मुसम्मा, जिसके लिए सिर्फ नींद का फैसला था वापस भेज देता है, जब वो जागता है तो उसका शऊर वापस आ जाता है और एक वक्त मुअय्यन तक के लिए उसका यह सिलसिला जारी रहता है। इन नफीजाल कल आयात कौमी तफक्करून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लें। अमित तखदु मिन दूनिल्लाह शुफा, क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा कोई शफी घर लिए अपने लिए, इख्तियार कर लिए जो इनके सिफारिशी होंगे। कुल अवला कानू ला यमलिकून शैयन, इनसे कहिए कि भला अगर उन्हें कोई इख्तियार ही ना हो सिरे से, वला याकिलून, और उन्हें कोई ना इसकी समझ हो। कुल लिल्लाह शफात जमीया, कह दीजिए शफात कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में, यानी शफात अगर है भी तो बिज़्निर रब है, अल्लाह की इजाजत से। फिर यह कि अल्लाह शफात कबूल करे ना करे इसका इख्तियार उसका है, किसी की धौंस नहीं है, किसी का जोर नहीं है कि वो अल्लाह से अपनी बात मनवा ले। लहू मुल्कु समावात वल्अर्द, आसमान और जमीन की बादशाही उसी के लिए है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। वैज़ा ज़िक्रल्लाह वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है अकेले अल्लाह का तौहीद के साथ, तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल बैठने लगते हैं, रुकने लगते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, सर अल्लाह ही अल्लाह की बात हो रही है। इसी तरह अगर किसी तकरीर में किसी वाज में सारी गुफ्तगू जो हो रही हो तौहीद की हो रही हो तो लोग घबरा जाएंगे कि ये कोई औलिया अल्लाह की बात हो, कोई किस्से कहानियां हो, कोई करामात उनकी बयान की जाए, कोई नबी की शान बयान की जाए, तो उस पर तो ये कि उनका जो है दिल खिलते हैं और खुश रहते हैं।
لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ، تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، ومثله معه، اور اس جتنی اور بھی ہوتی، لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، بادشاہ دے دے گا، وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا. تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے، نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. پھر پوچھا جائے گا علیہ صحاذہ بالحق، قالوا بلا وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو وہ کہتا مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میری ذہانت، فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے وارے نیارے، یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے. علائن بل ہی فتنت، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں، قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتی تو ہوں علائم اندی، یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے. بل ہی فتنت، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. قد قالہ الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر پڑ گئی ان پر، آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھیں، اپنی برائیاں جو کمائی تھیں. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے روش اختیار کریں گے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، چاہے جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. بیقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا پہلے آیا تھا، اور اب آیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں. آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ،
चाहे पूरी जिंदगी 70 बरस की है, कितनी भी है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को साफ कर देगा, खुलूस से दिल के साथ तौबा। और तौबा की शर्त यह है कि हरामखोरी छोड़ो, गलत काम छोड़ो, मासियत को तर्क करो, इसके बगैर तौबा नहीं है। यह हम पढ़ चुके हैं सूरह अल-फुरकान के आखिरी रुकू में, इल्ला मन ताबा व आमना व अमल अमलन सालिहन फौलाएक युबदिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा व मन ताबा व अमल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अमल जब तक दुरुस्त नहीं होता तो तौबा क्या खाक हुई, तौबा वो है कि अमल दुरुस्त हो जाए। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो गफूरुर रहीम है। व अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ रुजू करो, वस्लिमु लहू, और उसके फरमा बरदार बन जाओ, अब भी बन जाओ, मिन कबल यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले पहले कि तुम पर वो अज़ाब आए और मुसल्लत हो जाए और फिर तुम्हारी कहीं से कोई मदद नहीं की जा सकेगी। व तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम, ये इससे पहले भी आयत आ चुकी है ना, आयत नंबर 18 में था, फयत्तबिउना अहसना, ये कुरान भी जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है इसमें दर्जात हैं, ऊंचे हैं। अस्साबिकुना अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिएहसान, दर्जे थे कि नहीं थे, दर्जा शहादत है, दर्जा सिद्दीकियत है कि नहीं है, ये सूरह हदीद में जाकर मजमून और खुलेगा। तो ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तरफ चलने की कोशिश करो। वह तबेउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया है उसमें से जो बेहतरीन दर्जे की शय है उसकी पैरवी करो। मिन कब्ल यातियकुम अज़ाबु बग़्ततन, इससे पहले पहले कि अज़ाब तुम पर अचानक आ धमके, व अंतुम ला तशुरून, और तुम्हें उसका गुमान तक ना हो। अन तकूल नफ्सुन, मबादा फिर उस वक्त कोई जान ये कहे, या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, हाय मेरी हसरत, हाय अफसोस मुझसे जो कोताही हुई अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के हुकूम को तो मैंने पहचाना ही नहीं, अल्लाह का दीन मगलूब, और मैं लगा हुआ दुनिया के धंधों में, अपने ज्यादा से ज्यादा कमाने में और ऐश, और अपने स्टेटस, और वो स्टेटस सिंबल ही को माबूद बना रखा है, उसी में अपना पूरा तन मन धन लगा दिया है, जबकि अल्लाह का दीन मगलूब पड़ा हुआ है, और मैंने उसकी कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई कोशिश नहीं की। या हसरता अन तकूल नफ्सुन, के कोई जान कहे उस दिन, या हसरता हाय अफसोस अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, जो अल्लाह के जनाब में, अल्लाह की जानिब मुझसे जो कोताही हुई, मैंने कमी की। भाई इन कुंता लमिन सागरीन, और वो जो काफिर थे वो तो, मैं तो रहा इन कुंत लमिन साग, मैं तो मजाक ही समझता रहा, मैंने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं बात को, आई नेवर टुक इट सीरियसली। और तकूल अल्लाह अदानी लकुन तो मिनल मुत्तकीन, या तुम कहो कि अगर अल्लाह ने हिदायत दी होती तो मैं भी हो जाता मुत्तकी, गोया कि यहां अपने उस चॉइस की नफी कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम्हें इख्तियार दिया था, इम्मा शाकिरम इम्मा कफूरा। औ तकूल ही न करल अज़ाब, या वो कहे जबकि वो अज़ाब को देखे, लव अन्नली करतन फाकून मिनल मोहसिनीन, अगर मुझे लौटना नसीब हो जाए किसी तरीके से, एक दफा अगर मुझे दोबारा लौटा दिया जाए, फिर तो मैं मोहसिनीन में से हो जाऊंगा, फिर सिर्फ मुत्तकी नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ मोमिन नहीं, मोहसिनीन में मैं शामिल हो जाऊंगा। बला क्यों नहीं, कद जात का आयाती, आई थी तेरे पास मेरी आयात, तकज़्ज़ब तबिया, तूने उनको झुटला दिया था, बस तकबर था, और तूने तकबर किया था, वकुन तमिल काफरीन, और तूने कुफर की रविश इख्तियार की थी। व यौमल क़ियामत तरल लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, और क़ियामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था कि उनके चेहरे स्याह होंगे। अलैसा फी जहन्नम मस्वन लिल मुतकब्बिरीन, तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं है ऐसे मुतकब्बिरीन का। व युनज्जी अल्लाहु लज़ीन तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और अल्लाह ताला निजात देगा उनको जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की थी, और पहुंचा देगा उनकी कामयाबी की जगहों पर, जो उनके मकामात हैं उन तक पहुंचा देगा। किसी का कोई मकाम है, किसी का कोई मकाम है, ये सिद्दीकियत का मकाम है, ये शुहदा का मकाम है, ये अंबिया का मकाम है। ला यमस्सुहुम सू, उन्हें नहीं छू सकेगी कोई भी तकलीफ, कोई बुराई। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो हुज़्न से दो चार होंगे। अल्लाह खालिक कुल शैइन व हुवा अला कुल शैइन वकील, अल्लाह ताला हर शय का खालिक है, और वो हर चीज का निगरान है और हर चीज का जिम्मेदार है। लहू मकालिदु समावाति वल अर्द, उसके लिए है तमाम कुंजियां आसमानों की और जमीन की। वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया वही है तबाह होने वाले और घाटे में रहने वाले। ये आखिरी दो रुकू जो है सूरह मुबारका के, हमारे पास वक्त कम है लेकिन बहरहाल इससे जो भी मुलाइम है फायदा उठाना है। ये बहुत ही पुरजलाल अंदाज है कुरान मजीद में,
لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی عبادت. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا. اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی. توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قانون خداوندی، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں. کسے باشد، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا، کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے. لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کر، کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے؟ چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں، ایسٹرانومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز اینڈ بلینز، اور چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں، ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ، وہ تھک ہار کر رہ جاتی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. وَنُفِقَ فِي السُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا. یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا. تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نفخے جو ہیں، پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے جو پہلا ہے ساعت. پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا، اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے، سب پر ایک موت کی نیند طاری ہو جائے گی. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور، اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ نفخہ ہے باسِ بعد الموت کا،
तीसरा नफखा। इसलिए कयामत इसको कहते हैं, इज़ाहुम कयामुन यंज़ुरून, ये यौमुल कयामा है। पहले सा है, पहले वो घड़ी है कि जिससे एक मौत वारिद होगी, सब पर तारी हो जाएगी, और ये कयामा है जिसमें खड़े हो जाएंगे। सुम्मा नुफिख फीह उखरा फैज़ाहुम कयामुन यंज़ुरून वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और जमीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, उस वक्त इसी जमीन पर अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा। वजा रब्बु कवल मलको सफ़न सफ़ा, आसमान गमाम की हैसियत से फट जाएगा और फरिश्ते जो है कतार दर कतार सफ़े बाँधे हुए नीचे उतरेंगे। वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा वबुज़िअल किताब, और किताब और आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा, और अम्बिया और शुहदा को भी लेकर पेश कर दिया जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह अगले जो है घंटे में पढ़ेंगे। वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और पूरी जमीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। वज़ीअ अल-किताब, और आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा। इसका यही नक्शा खींचा जा चुका है सूरह काफ में भी। वज़ीअ अल-किताब फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। यहाँ जो है नक्शा उससे अगले का खींचा जा रहा है। जब वो किताब या आमाल नामा ले आया जाएगा, वह जी अबिन नबी ये न वश्शुहदा, और फिर लाए जाएंगे अंबिया और शहीद। यह शहीद से मुराद क्या है? अव्वलन रसूल, इसलिए कि वो गवाही देंगे। ले यकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकून शुहदा अलन्नास, लेकिन बजाय रसूल के यहाँ शहीद का इसलिए कहा गया कि न सिर्फ रसूल जो है गवाही देंगे, बल रसूलों की तरफ से जो तबलीग करते रहे वो गवाही देंगे। चुनाचे जैसे आपको मालूम है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर ईमान लाए हैं 6 अशराए मुबशरा में से जो साहबा हैं टॉप के, तो गोया कि उन्हें तबलीग की हजरत अबू बकर ने। या हुजूर ने जिन साहबा को भेजा, जब लोगों ने बुलाया कि आप हमारे यहाँ भेजिए अपने कोई शागिर्द, अपने कोई वो ईमान लाने वाले के जो हमें कुरान पढ़ाएं, तो अब कौन से वहाँ गए? जो असहाबे सुफा में से आपने भेज दिया, अब इन्होंने जाकर तबलीग की। तो ये गोया के हुजूर के ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तबलीग कर रहे हैं। तो उन कबीलों को जिन्हें उन्होंने तबलीग किए, गवाही देने के लिए वो खड़े होंगे कि अल्लाह तेरे दीन का जो पैगाम तेरे नबी मोहम्मद के जरिए से, तेरे रसूल मोहम्मद के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचा था, हमने इन तक पहुंचा दिया था। इसी तरीके से पूरी उम्मत की जिम्मेदारी होगी कि वो गवाही दे कि पूरी नौ इंसानी को हमने अल्लाह तेरे नबी का जो दीन हमें मिला था, जो हमें विरासतन पहुंचा था, वो हमने पूरी नौ इंसानी तक पहुंचाया था। और अगर हम न दे सकें ये गवाही, तो पूरी दुनिया की जलालत और गुमराही का वबाल हमारे गर्दन पर आएगा। हम गवाही दे दें, तबलीग का हक अदा कर दें, फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं करते तो पहले हम मुजरिम हैं। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा, और ले आए जाएंगे अंबिया और गवाह। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक, और फिर उनके माबैन फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ। वह हम ला युज़लमून, और किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर कोताही, किसी पर किसी की हकतलफी नहीं होगी। वफ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को जो कुछ के उसने अमल किया था। वह आलमु बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ के ये फेल कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं। अब जो आखिरी सीन होगा कि ये जा रब कवल मलक सफ़न सफ़ा, ये जमीन चटियल कर दी जाएगी, ना पहाड़ रहेगा, खींच दिया जाएगा। वाइज़ल अर्दो मुद्दत, और यहीं पर जो है अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा, और फिर यहीं पर फरिश्ते आएंगे, और यहीं हिसाब किताब हो जाएगा। अब फैसले हो गए हैं, क्योंकि जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे और जन्नती जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे। वो नक्शा खींचा जा रहा है बड़े पुरजलाल अंदाज में। ये खास मकाम है कुरान मजीद का। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और हांक कर ले जाए जाएंगे काफिर जहन्नम की तरफ, ग्रोह दर ग्रोह, ग्रोह दर ग्रोह, एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, दूसरी उम्मत के बाद तीसरी उम्मत, चले आ रहे हैं अपने अपने लीडर आगे आगे उनके चले आ रहे हैं। जैसे एक नक्शा खींच चुका है सूरह यूनुस में कि ये फिरौन जो है वो अपनी कौम के आगे आगे चलता हुआ आएगा, और वो अपनी कौम को ले जाकर जहन्नम के घाट पर उतार दे, फौरदहुम अलन्नार, पहुंचा देगा जहन्नम के घाट पर। वसीक अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, यहां तक कि जब वो वहां पहुंच जाएंगे जहन्नम पर, फिर उसके दरवाजे खोले जाएंगे। इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जैसे जेल का मामला होता है कि उसके दरवाजे खुले नहीं होते, बंद होते हैं,
البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے وہ کہیں گے ان سے اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے. قَالُوا بَلَى، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا. دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے. اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے. یہ مفتحت اللہم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، وفتحت ابوابها. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں. فادخلوها خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی. وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے، فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے. اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے ساتواں اس کے اندر آ چکا ہے. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کہ یہ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں. تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے.